वेलकम टू द सेशन गाइस। माय नेम इज शुभम सूर्यवंशी और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कोन के सारे बेसिक्स डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखो कोन के वीडियो को मैंने दो पार्ट्स में बना के रखा हुआ है। एक पहला वाला पार्ट जिसमें हम सारे बेसिक्स डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि उसके थ्रू हम कोन की इक्वेशन बना सकें। एक बार हम इक्वेशन बनाना सीख जाएंगे तो फिर चीजें हमारे लिए थोड़ी सी आसान हो जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ कोन की बहुत सारी वैरायटीज से जो हमें कवर करनी है, मोस्टली इक्वेशन ऑफ अ कोन पे ही क्वेश्चन आता है, लेकिन आगे की वैरायटीज भी हमें कवर करनी पड़ेगी। ठीक है ना? सो मैं कोशिश करूंगा एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे करा दूं, और जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है जो यूनिवर्सिटीज पूछ रही है, आपकी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी, आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हो, ठीक है, उसके हिसाब से आपकी प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी जाएगी, उस हिसाब से आपका लेक्चर बना दिया जाएगा। ठीक है ना? सो ऑब्वियसली सेकंड पार्ट में आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे और आप उसे चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलो एक मेरी बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है ना। सबसे पहले तो अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग के वीडियोस नहीं देख रखे हैं, ठीक है, आपने स्टार्टिंग का लाइन का वीडियो नहीं देख रखा है, तो अगर आप उसे छोड़ के डायरेक्टली यहाँ पे जंप करोगे आपको प्रॉब्लम होगी, है ना। जैसे शॉर्टकट मारने बंद करो, स्टार्टिंग में जाके फर्स्ट वीडियो लाइन का देखो, उसे कंप्लीट करो, उसके बाद ही आप कोन वाले वीडियो पे स्विच करिएगा, बिकॉज लाइन के बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ पे लगने वाले हैं। ठीक है, चलिए ना, कोन के बारे में अगर मैं बात करूं तो दो चीजें हैं जिसपे आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। सबसे पहली चीज, भाई कोन कैसा दिखता है? 2D फॉर्मेट में 3D का रिप्रेजेंटेशन यहाँ दिखाया हुआ है, इस तरीके से कोन दिखता है। सबसे ऊपर पे एक कोन का जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हम क्या बुलाते हैं, वर्टेक्स ऑफ द कोन। लेट अस से कि मैं उस वर्टेक्स को ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, और उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं दे आर x1 y1 एंड z1। ठीक है, नाउ द थिंग इज कि बहुत लोग कोशिश क्या करते हैं ना कि कोन और सिलेंडर के फॉर्मूले को रट के जा रहे होते हैं। ठीक है ना? अगर आप रट के जाओगे ना तो देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि आप वहां पे फंसोगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, मैं पहले बता देता हूँ आपको। ठीक है, इसलिए आपको थोड़ा सा फॉर्मूले जनरेट कैसे हो रहे हैं हल्का सा उनके बारे में जानना पड़ेगा। एकदम रटने वाला काम मत करो, बोल रहा हूँ मैं, फंसोगे वरना। पॉइंट ए होता है आपका वर्टेक्स ऑफ द कोन, जिसकी इन्फॉर्मेशन 99% ऑफ द क्वेश्चन में गिवन होती है। ठीक है, और फिर उसके अलावा एक लाइन होती है जो बीच वाली लाइन को दिख रही है, दिस लाइन इज कॉल्ड एज द एक्सिस ऑफ द कोन। ठीक है, सो ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में आपको इस एक्सिस की इन्फॉर्मेशन भी गिवन होगी। सो दो चीजें कोन के बारे में ध्यान रखने वाली। सबसे पहला पॉइंट क्या कि एक कोन का वर्टेक्स कहाँ पर है, वर्टेक्स एकदम टॉप पे होता है, उसके कोऑर्डिनेट्स मुझे गिवन होंगे। दूसरी चीज क्या, ये जो लाइन है ना जो वर्टेक्स से नीचे की तरफ जा रही है, इसके बारे में भी मुझे इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, लाइन के या तो डायरेक्शन रेशियोज गिवन होंगे डायरेक्टली, या फिर वो कोशिश करेगा कि लाइन की इन्फॉर्मेशन आपको दे दे कि यार लाइन की इक्वेशन क्या है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, फिर तीसरा होता है हमारा रेडियस ऑफ द कोन। हालांकि कुछ खास काम है नहीं रेडियस ऑफ कोन का, बट हम बता देते कि हाँ यहाँ इसके पास रेडियस भी होता है। ठीक है ना? ओके, नाउ अब एक चीज है, क्वेश्चन में देखिएगा, मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको एक शब्द लिखा रहता है आरसीसी। ठीक है, या तो वो आरसीसी लिख के बोलेगा या फिर वो पूरा पूरा इसका फुल फॉर्म लिख देगा, विच इज राइट सर्कुलर कोन। दोनों में से कुछ भी लिखा हो, आरसीसी या राइट सर्कुलर कोन, उसका बेसिक मीनिंग यही होता है कि एक ऐसा कोन जिसका जो एक्सिस है वो उसके रेडियस के क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो उसी टाइप के कोन के आने वाले हैं जिसका एक्सिस जो है वो रेडियस से परपेंडिकुलर है। तो कहीं अगर उसने आरसीसी या राइट सर्कुलर कोन लिखा तो उसका मीनिंग ये रहेगा। ठीक है, चलिए मीनिंग हमने जान लिया, आरसीसी वो क्यों लिख रहा है या राइट सर्कुलर कोन क्यों लिख रहा है वो अब हम समझ चुके हैं। ठीक है, पूरा फोकस दो जगह पे रहना है, एक उसके वर्टेक्स पे रखना है कोन के, दूसरा ये जो एक्सिस है इसकी इक्वेशन पे रखना है या इसके डायरेक्शन रेशियोस पे रखना है आपको। ठीक है, चलिए सब हम क्या करेंगे, इस कोन पे एक पॉइंट, इस कोन पे एक जनरल पॉइंट कहीं तो ले लेते हैं। चलो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ जनरल पॉइंट। ठीक है, लेट्स से दिस इज माय पॉइंट पी, और इसके कोऑर्डिनेट्स हम क्या ले लेंगे, x, y, z। अब ये क्या करेगा ना, हमारी कोन की इक्वेशन को लिखने में हेल्प करेगा। ओके, नाउ इस एक्सिस के साथ साथ एक एंगल भी बनता है। ठीक है, इस एंगल को हम क्या बुलाते हैं, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन। अब हम उसको सेमी वर्टिकल क्यों बोल रहे हैं, वर्टिकल एंगल मतलब क्या हो गया, ये हो गया पूरा पूरा वर्टिकल एंगल। सेमी वर्टिकल एंगल मतलब इसका एग्जैक्टली आधा जो मैंने ऊपर बना रखा है। ठीक है, सो ये वर्टिकल एंगल की वैल्यू भी मुझे गिवन रहती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक है, इन सारी इन्फॉर्मेशन का यूज करके हमें क्या लिखनी पड़ती है, इक्वेशन ऑफ कोन लिखनी पड़ती है। ठीक है ना? तो क्या क्या गिवन रहेगा, वर्टेक्स के मुझे कोऑर्डिनेट्स गिवन रहेंगे पहली चीज, दूसरी चीज मुझे सेमी वर्टिकल एंगल गिवन रहेगा थीटा की क्या वैल्यू है इसके, 30 डिग्री का है, 60 डिग्री का है, 70 डिग्री का है, वो दूसरी चीज हमें गिवन रहेगी। तीसरी चीज हमें क्या गिवन रहेगी, ये जो एक्सिस है ना इस एक्सिस की मुझे इक्वेशन गिवन रहेगी। ठीक है ना? तो इन तीनों चीजों की हेल्प से क्या बनेगी, हमारी इक्वेशन ऑफ द कोन बन जाएगी। ठीक है, अब ये पॉइंट पी क्यों दिया हुआ है, पॉइंट पी हमें खुद से ले लेना है x, y, z। ठीक है, इसकी हेल्प ही लगेगी इक्वेशन को बनाने के लिए। ठीक है, नाउ इतना लिखने के बाद जैसे ये पॉइंट पे मैंने बनाया था ना, तो यहां से आप क्या करोगे, एक स्ट्रेट लाइन बना दोगे इस तरफ। ठीक है, उससे फायदा क्या होगा, आपको अंदर की तरफ एक ट्राइंगल दिखने लगेगा, है ना, और इस ट्राइंगल को थोड़ा सा हम पूरा पूरा कर देते हैं, उससे फायदा क्या होगा कि हम इक्वेशन की तरफ पहला कदम रख सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू, राइट द इक्वेशन।
इक्वेशन बड़े अच्छे से लिखी जाएगी कॉस के फॉर्म में, कि कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू बनाएगा हमारी इक्वेशन। अब देखो कॉस थीटा होता क्या है, तुम लोगों ने ये चीज ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी होगी कि अगर मेरे पास एक ट्राइंगल दिख रहा है, ये ए है ये पी है, इस पॉइंट को मान लो एम, सो ए एम पी मुझे एक ट्राइंगल दिख रहा है उसमें थीटा है, ऑब्वियस सी बात है कि हम परपेंडिकुलर ही यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक राइट एंगल ट्राइंगल, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, थीटा के पास में जो होता है उसको हम बेस बुलाते हैं, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, थीटा के साथ में क्या होता है हाइपोटेनस। कॉस थीटा हमेशा क्या होता है आपका बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, है ना। तो मुझे अगर कॉस थीटा निकालना है तो बेस को हाइपोटेनस से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। या हम टेक्निकली बोल सकते हैं कि कॉस थीटा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए एम डिवाइडेड बाय ए पी करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए जरा तो यहां पर देख लेते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, जैसे मैंने देखा बेस क्या है मेरा ए एम के बराबर, इसे हमने एम लिखा हुआ था, है ना। सो दिस इज ए एम डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस व्हिच इज गोना बी ए पी। बस अब मैं ए एम का अगर डिस्क्रिप्शन यहां पर लिख के दिखा दूं और ए पी का डिस्क्रिप्शन इसके थ्रू लिख के दिखा दूं तो बन जाएगी मेरी कोण की इक्वेशन, ठीक है। अब देखो ए पी का डिस्क्रिप्शन लिखना बहुत आसान है हमारे लिए, क्यों आसान है, देखो ए पी क्या है, ए से लेके पी तक का डिस्टेंस, ठीक है। अब ये डिस्टेंस तो मेरा किससे निकल सकता है, बहुत ही आसानी से आपके डिस्टेंस फॉर्मूला से निकल सकता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे ना, पहले ए पी को लिखना सीख लेते हैं, ओके, क्योंकि वो इजी वाला पार्ट है। तो चलो दिस इज इक्वल टू, मैं ए एम को एज इट इज रखता हूँ, अगले वाले स्टेप में मैं आपको ए एम को लिखना भी सिखाता हूँ। देखो बहुत सारे लोग बहुत जगह आपको बोलेंगे रट लो फॉर्मूला, माइक्रो बना के चले जाओ, जो करना है कर लो। देखो मैं मेरा काम है सिखाने का, माइक्रो वाइक्रो वगैरह के चक्कर में मैं नहीं पढ़ाऊंगा तुमको, ठीक है ना। और रटवाने वाला काम भी मैं तुम्हें नहीं कराऊंगा, पहले मैं बोल रहा हूँ उस चीज को देखो, ध्यान से सुनो, समझो, काम करो, ठीक है। एपी कैसे लिखोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से। सो अंडर रूट ऑफ, दो लोगों के बीच का डिस्टेंस x2 - x1 होता है, यहाँ पे एक्स है तो x - x1, है ना। सो अंडर रूट ऑफ x - x1 का होल स्क्वायर प्लस y - y1 का होल स्क्वायर प्लस z - z1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया हमारा, एपी आ चुका है, ओके। तो एपी लिखना हमने सीख लिया, बहुत अच्छी सिंपल सी चीज थी। ए एम कैसे लिखेंगे, देखो ए एम को लिखना ना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, ठीक है। ए एम को लिखने के लिए हमें थोड़े से बेसिक्स आने चाहिए, किसके, लाइन के आने चाहिए। तो सबसे पहले तो समझो ए एम है क्या, देखो ए एम ए से लेके एम तक का डिस्टेंस है, ये बेसिकली क्या है, ये जो आपको एपी डिस्टेंस दिख रहा है ना, इसका कॉस कंपोनेंट है। ए एम इज नथिंग बट एपी कॉस थीटा, ठीक है। मतलब आप बोल सकते हो कि इस एपी लाइन का क्या है, ए एम प्रोजेक्शन है ना। तो प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन कैसे निकालते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन निकालने का बड़ा सिंपल तरीका होता है कि अगर आपको एपी का प्रोजेक्शन डालना है इस वाली लाइन पे, है ना, अगर आपको इस एपी का प्रोजेक्शन डालना है इस वाली लाइन पे, इसकी इक्वेशन लगेगी, या शॉर्ट में कहना चाहिए इसकी इक्वेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस इक्वेशन की हेल्प से जो आपके डायरेक्शन रेशियोस मिलते हैं ना, वो डायरेक्शन रेशियोस लगेंगे आपको, ठीक है ना। सो जो भी इक्वेशन गिवन रहेगी आपको इस लाइन की, उस लाइन की इक्वेशन को तुरंत देख के आप डायरेक्शन रेशियोज बता दोगे, है ना, क्योंकि आप थोड़े से प्रो हो चुके हो अब तक, जिसको पता नहीं कैसे बताते हैं फर्स्ट लेक्चर में जाके चेक कर लो, ठीक है। डायरेक्शन रेशियोज इसके ए बी और सी हो गया मान लीजिए, ठीक है। और अगर मैं इस एपी का देखूं तो एपी में भी मुझे दो पॉइंट्स पता है, तो यहां से भी मैं एपी के डायरेक्शन रेशियोज लिख सकता हूँ। कैसे निकालते हैं, पहले वाले पॉइंट से दूसरे वाले पॉइंट को माइनस कर दीजिए, है ना, इसको माइनस इसको कर लो या इसको माइनस इसको, मैं नीचे से ऊपर कर लेता हूँ। तो इसके एपी के जो डायरेक्शन रेशियोज बनेंगे वो क्या क्या बनेंगे, पहला वाला बनेगा क्या मेरा x - x1, ठीक है। दूसरा वाला डायरेक्शन रेशियो क्या बनेगा मेरा y - y1, और तीसरा वाला डायरेक्शन रेशियो क्या बनेगा मेरा z - z1, ठीक है। तो अगर मुझे इस एपी का प्रोजेक्शन यहाँ पे डालना है ना, तो सिंपल चीज है, क्या करोगे, इसके पहले वाले डायरेक्शन रेशियो से इसके पहले वाले को मल्टीप्लाई करोगे, इसके दूसरे वाले से इसके दूसरे वाले को मल्टीप्लाई करोगे, इसके तीसरे वाले से इसके तीसरे वाले को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। चलिए लिखना शुरू करते हैं, कैसे लिखेंगे हम, ए एम इज इक्वल टू क्या, पहले वाले से पहले वाले को मल्टीप्लाई करो, सो ए इंटू x - x1, ठीक है, प्लस दूसरा वाला क्या है बी इंटू y - y1, ठीक है, प्लस सी इंटू z - z1, ठीक है। और इस पूरे के डिविजन में आपको क्या कर देना है, दिस हैज टू बी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका ए एम लिखने का तरीका। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ए एम डिवाइडेड बाय एपी, एपी होता है मेरा डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, लिख लिया बहुत आसानी से। ए एम होता है क्या, ए एम इज नथिंग बट द बड़ी वाली लाइन एपी का प्रोजेक्शन। इस एपी का प्रोजेक्शन कैसे लिखते हैं, सिंपल है, एपी का डायरेक्शन रेशियो लिखे हमने, ये होगा x - x1, y - y1, z - z1, ए एम के डायरेक्शन रेशियो लिखे हमने, ए बी और सी के बन रहेंगे हमको क्वेश्चन में, बस पहले वाले से दूसरा वाला, दूसरे वाले से तीसरा वाला, तीसरे वाले से, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाय दिस 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 दिस, ठीक है। अब बुक्स में ना वो इतना सिंपल तरीके से एक्सप्लेन नहीं करता है, वो डायरेक्टली कॉस थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला बड़ा सा लिख के दे देता है, ठीक है। बट वो फॉर्मूला जनरेट कहाँ से हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है, उसका और एक रीजन है,
क्योंकि सेम प्रोजेक्शन वाली चीज है ना, इस एपी का प्रोजेक्शन जैसे हम एएम पे डाल रहे हैं, ये सेम प्रोजेक्शन वाली चीज हमारी सिलेंडर्स के केस में भी यूज होने वाली है। ठीक है, तो अगर आप बोलोगे कि यार नहीं मैं तो यहाँ पे फॉर्मूला रट लेता हूँ, मैं सिलेंडर के केस में फिर देखूंगा अपना, फिर मैं सिलेंडर का फॉर्मूला रट लूंगा, तो ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो इस फॉर्मूले को दिमाग से समझने की कोशिश करो, अगर तुम रटने के लिए जाओगे तुम फंसोगे, एग्जाम टाइम में याद नहीं आएगा, 4 यूनिट 5 यूनिट वहां पे तुम्हें पढ़नी है करनी है। ठीक है, दूसरी चीज, तुम्हारा प्लान अगर माइक्रो बना के जाने का है तो फिर उस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, दैट इज योर कॉल देन। ठीक है, चलो ना, अब हमने देख लिया कि हाँ माइक्रो वालों के लिए, और एक चीज, यूनिवर्सिटी एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रही है। ठीक है ना, प्रीवियस ईयर के उठा के देखोगे तो कुछ कुछ जगहों पे तो उसने वर्टेक्स वर्टेक्स भी नहीं दे रखा है, डायरेक्टली निकालने को बोल दिया है, फंस सकते हो इसलिए सीखो। चलो अब देखो, हमने देख लिया एएम कैसे लिखना है, एपी कैसे लिखना है, अब हम वापस से इसी चीज को करेंगे, लेकिन पूरा पूरा फॉर्मूला एग्जाम लिखेंगे, एएम और एपी को डिविजन में लिखेंगे ताकि हम साइंसेस को दिखा सके। ठीक है, चलिए लेट मी जस्ट इरेज एवरीथिंग, है ना, ओके। तो साथ साथ मेरे हम वापस से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए जरा सॉल्व करते हैं। सो क्या बताना है मुझे, मुझे बताना है इस कोन की इक्वेशन क्या क्या चाहिए रहेगा। मुझे सबसे पहले वर्टेक्स चाहिए रहेगा, तो एक वर्टेक्स दे दीजिए भाई मुझे, हमने दे दिया, ये लीजिए वर्टेक्स आपका। फिर उसने बोला कि यार ये जो एक्सेस जा रही है ना, उस एक्सेस की इक्वेशन दे दीजिए। क्यों देते हैं आपको इक्वेशन, क्योंकि आप हमें अगर इक्वेशन दे देंगे इसकी, है ना, तो क्या मिल जाएगा, इक्वेशन की हेल्प से मुझे ए कॉमा बी कॉमा सी मिल जाएगा। ए कॉमा बी कॉमा सी क्या है, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोस। ठीक है, साथ ही साथ और क्या चाहिए आपको, देखो ए एम के डायरेक्शन रेशियोस तो मुझे मिल गए, हाँ जी मिल गए, ए पी के डायरेक्शन रेशियोस भी बता दीजिए। डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते थे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को माइनस करते थे, तो इसका पहला वाला हो जाएगा एक्स माइनस एक्स वन, दूसरा वाला हो जाएगा वाई माइनस वाई वन, तीसरा वाला हो जाएगा जेड माइनस जेड। ठीक है, तो बस अब हमें कॉस थीटा लिख लेना। व्हाट इज कॉस थीटा, कॉस थीटा हो जाएगा क्या, थीटा के साथ बेस में कौन है मेरे पास, ए एम। ठीक है, और हाइपोटेन्यूस में कौन है मेरे पास, ए पी, नीचे ए एम अपॉन ए पी हो गया। ठीक है, सो देयर फॉर फाइनली हम बोल सकते हैं कि मेरा कॉस ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, ऊपर ए एम नीचे ए पी। तो पहले जरा ए एम लिख के बता दीजिए आप, हाँ जी बता देते हैं, काफी लंबा आने वाला है। ए एम कैसे लिखते थे, ए एम है मेरा इस ए पी का प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन कैसे बनता है, पहला वाला पहले वाले से मल्टीप्लाई होगा, है ना, सो ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन, प्लस दूसरा वाला दूसरे वाले से मल्टीप्लाई होगा, सो बी इंटू वाई माइनस वाई वन, है ना, प्लस तीसरा वाला तीसरे वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो सी इंटू जेड माइनस जेड। ठीक है, डिवीजन में कौन आता था, है ना, डिवीजन में आता था आपका अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने क्या लिख दिया, ए एम लिख दिया, इसके नीचे कौन आएगा, ए पी आएगा। ठीक है, अब इसके नीचे एपी डालना है तो या तो ये पूरी लाइन बना के डाल दो, या फिर मैथमेटिक्स तो जानते हो, है ना, उस एपी को यहाँ पे भी डाल दोगे मल्टीप्लीकेशन में तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका, इंटू एपी। एपी क्या है आपका, कुछ नहीं यार, दो लोगों के बीच का डिस्टेंस है, तो उसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं, हाँ जी लगा दीजिए, तो एपी बन जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, है ना, प्लस जेड माइनस जेड वन का होल स्क्वायर। ठीक है ना, फॉर्मूला रटने की जरूरत है क्या, नहीं जरूरत है, दो चार बार लिखने की जरूरत है क्या, हाँ जी दो चार बार लिखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि दिमाग में ये बैठे, है ना। बुक्स में आपने देखा होगा बहुत लोग डीकोड विकोड आजकल जुगाड़ कर लेते हैं टेलीग्राम वगैरह से, अच्छी बात है यार, कर लेनी चाहिए, जुगाड़ तो इंजीनियर्स का काम है ना। उधर भी देखोगे तो कॉस थीटा वॉस थीटा इस तरीके से फॉर्मेट में लिखा रहता है। ठीक है ना, चलो अब ये तो मैंने आपको दिखा दिया, कुछ कॉलेजेस में शायद यही चीज जो है वो डायरेक्शन रेशियोज के फॉर्म में नहीं पढ़ाई जाती है, डायरेक्शन कोसाइंस के फॉर्म में पढ़ाई जाती है। ठीक है, कुछ वीडियोस के सॉल्यूशंस में आपने देखा होगा कि आपको डायरेक्शन रेशियोस में नहीं, डायरेक्शन कोसाइंस के फॉर्म में लिखी रहती है चीज। ठीक है ना, सो देखो डायरेक्शन कोसाइंस के फॉर्म में भी लिखना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्यों नहीं है मैं तुम्हें बताऊं, अगर इसी चीज को यहीं के यहीं तुम्हें सॉल्व करना ना, थोड़ा सा बस एक पॉइंट और देख लो मेरा, डायरेक्शन कोसाइंस के फॉर्म में जब लिखाई जाती है चीजें, है ना, तो वो क्या करते हैं बताओ, देखो कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब डायरेक्शन कोसाइन कैसे बनते थे, डायरेक्शन कोसाइन को पहले हम डिनोट करते थे एल एम और एन से डिनोट करते थे, करेक्ट है ना। एल कैसे लिखा जाता था, डायरेक्शन कोसाइन एल इज इक्वल टू क्या होता था, ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, याद आ रहा है ना। और वैसे ही एन क्या होता था, बी डिवाइडेड बाय समथिंग समथिंग, एन क्या होता था, सी डिवाइडेड बाय दिस थिंग। तो वो क्या कर रहा है ना, डायरेक्शन कोसाइंस के फॉर्म में लिखने के लिए वो ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, इस पूरे को वो क्या बोल दे रहा है कि मैं एल बन गया। अब ये तो सबके डिनोमिनेटर में है, मतलब ये इसके साथ भी बनेगा, ठीक है, मतलब यही चीज इसके साथ भी बनेगी, ओके, सो खिचड़ी बन गया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। तो आप बेसिकली क्या बोल रहे हो कि आप इस पूरे को किससे रिप्लेस कर सकते हो, एल से रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है, विच इज नथिंग बट द डायरेक्शन कोसाइन। इस पूरे को किससे रिप्लेस कर सकते हो, एम से रिप्लेस कर सकते हो, और इस पूरे को किससे रिप्लेस कर सकते हो, एन से रिप्लेस कर सकते हो। तो लोग क्या करते हैं, उसी रिप्लेसमेंट की हेल्प से यहाँ पे लिख लेते हैं एल इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है,
प्लस एम इंटू वाई माइनस वाई वन है ना, प्लस एन इंटू जेड माइनस जेड वन। ठीक है, तो अब ये पूरा तो जा चुका, अंडर रूट में नीचे क्या बचेगा, सिर्फ ये वाला, विच इज अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, ये सब। ठीक है, तो जिससे चाहे आप कर सकते हैं। मैं पर्सनली डायरेक्शन रेशियोज को लेकर थोड़ा ज्यादा प्रेफर करता हूँ जब हम कोण की बात कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के सोल्यूशन चेक किए हैं, स्पेशली डी कोर्स में चेक किए हैं, तो उन डी कोर्स में जब मैं सोल्यूशन चेक कर रहा था, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला मैंडेटरी वहां पर लिखा ही है, और वो कॉस थीटा का फॉर्मूला डायरेक्शन रेशियोज के फॉर्म में लिखा है, जो मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ, है ना। सो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि यूनिवर्सिटी जब चेक करेगी तो वो नंबर भी उस हिसाब से देगी। एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं रहता कि वो आपकी हर चीज को वेरीफाई कर सके। ठीक है, तो देखेगा कि यार कॉस थीटा का फॉर्मूला लिखा है, आधे नंबर वहीं दे देगा, आगे कुछ गलत हुआ तो भी वो चेक भी नहीं करेगा, शायद पूरा ही सही करके आपको मार्क्स दे दे। इसलिए कभी कभी यूनिवर्सिटी के हिसाब से चीजें लिखनी भी ठीक होती है। ठीक है, चलिए। सो प्लीज इस वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके वापस से जो कुछ मैंने आपको इस वक्त सिखाया है उसे देखिएगा, समझिएगा, एक दो बार लिखने की प्रैक्टिस करिएगा। कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, एपी को हम अच्छे से लिखना जानते हैं, दो लोगों के बीच का डिस्टेंस। एएम क्या होता है? प्रोजेक्शन लिखना। कैसे प्रोजेक्शन लिखते हैं? कि इस वाली लाइन का इस वाली लाइन पे प्रोजेक्शन कैसे निकालेंगे? पहले इस वाली लाइन के डीआर लिख लो, हाँ जी भाई साहब लिख लिए, माइनस माइनस इस वाली लाइन के डीआर लिख लो, इक्वेशन से डीआर मिल जाएंगे, पहला वाला पहले वाले से, दूसरा वाला दूसरे वाले से, तीसरा वाला तीसरे वाले से, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, खत्म बात। ठीक है ना। चलिए, सो कोन का डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दे दिया है, और जैसे मैंने कहा कि मैं डायरेक्शन कोसाइंस का इस्तेमाल नहीं करूंगा कोन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, डायरेक्शन रेशियोज का इस्तेमाल करूंगा। और रीजन क्या है उसका? क्योंकि मैंने जितने यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशंस देखे या डी कोर्स वगैरह देखे, उसमें ज्यादातर लोग डायरेक्शन रेशियोज का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, चलो। सो आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, उन्हें करना शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन हुज वर्टेक्स इज एट 1, 2, 3, है ना। तो मेरे साथ साथ चलते जाओ, हमारे पास वर्टेक्स गिवन है, पॉइंट ए हम वर्टेक्स मान लेते हैं, विच इज 1, 2, 3। ये लीजिए, पहला काम हो गया। हुज वर्टेक्स इज एट दिस एंड सेमी वर्टिकल एंगल। सेमी मतलब क्या होता है? वर्टिकल से आधा वाला। तो सेमी वर्टिकल एंगल कितना गिवन है? 60 डिग्री का गिवन है। ठीक है भाई, एंड द एक्सिस इज गिवन बाय दिस। एक्सिस का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है कि एक्सिस की इक्वेशन मिल गई तो उसके डायरेक्शन रेशियोज उठा के लिख लीजिए आप, इसके अलावा और कोई तीसरा काम नहीं है। ठीक है, सो इक्वेशन देखते से हम बोल देंगे भाई इसके जो डायरेक्शन रेशियोज है इस एक्सिस के, ठीक है, सो द डी आर ऑफ द एक्सिस, इसको हम किससे डिनोट करते थे? ए बी और सी से करते थे। ठीक है, यहाँ थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ। द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द एक्सिस हम ए बी और सी से डिनोट करते थे, और उन ए बी और सी की वैल्यू क्या है? 2, -1 और 4। ठीक है, 2, -1 एंड 4। चलिए, अब उसके बाद हम क्या बोलते थे कि भाई कोन में एक जनरल पॉइंट हमें लेना चाहिए, है ना, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोन। इस पॉइंट को हम क्या मान लेंगे? पी मान लेंगे, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x, y, z। ठीक है ना, ए को हम जनरली x1, y1, z1 बोलते थे क्योंकि उसकी वैल्यूज गिवन होती थी, यहाँ पे वैल्यूज गिवन है एक ही। ठीक है भाई, पी हमने मान लिया है, अब पी से हम यहाँ पे एक ऐसी स्ट्रेट लाइन बना देंगे और हम बोलेंगे कि भाई ये वाले पॉइंट को हम एम मान लेते हैं, है ना। सो इतना काम करने के बाद कुछ नहीं करना है, अब हमें वापस से कॉस थीटा लिखना है। तो हम बोलेंगे कि भाई आपका जो कॉस थीटा है दैट इज इक्वल टू व्हाट? थीटा इज इक्वल टू के, बेस बनाएगा ए एम। ठीक है, एंड आपका हाइपोटेन्यूज कौन बनाएगा? ए पी। ठीक है, चलिए, एपी को हम लिखना जानते हैं, ए एम को लिखने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस हम करके आए हुए हैं। ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं, जरा कॉस थीटा को अच्छे से लिखते हैं। थीटा कितना है? 60 डिग्री के बराबर। तो हम इसको लिखेंगे कॉस ऑफ 60 डिग्रीज इज इक्वल टू ए एम डिवाइडेड बाय ए पी। ठीक है, चलिए, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है? कॉस 60 होता है हमारा 1/2 होता है ना, साइन 60 इज रूट 3/2, कॉस 60 इज 1/2। तो कॉस 60 की वैल्यू हो गई मेरी 1/2 के बराबर, कलर चेंज करते हैं आपको, 1/2 के बराबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए एम अपॉन ए पी। ए एम कैसे लिखेंगे और ए पी कैसे लिखेंगे? पहले ए एम लिखते हैं। सो ए एम लिखना है मुझे, ए एम कैसे लिखेंगे? वो है मेरे ए पी का प्रोजेक्शन। ठीक है, सो एपी का डायरेक्शन रेशियो पहले लिखिएगा। एपी का डायरेक्शन रेशियो कैसे मिलेगा? एक से दूसरे को माइनस करके। तो एपी के डायरेक्शन रेशियोज बनेंगे मेरे x-1, ठीक है, फिर y-2, है ना, और तीसरा वाला क्या हो जाएगा? z-3। ये क्या हो गए मेरे एपी के डायरेक्शन रेशियोज, और एएम के डायरेक्शन रेशियोज क्या है? 2-1, 4। बस पहले वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो एएम लिखने के लिए 2 इंटू पहला वाला क्या है? x-1, है ना, प्लस बी क्या है अपना? -1। ओके, इंटू दूसरा वाला क्या है मेरा? y-2। ओके, प्लस तीसरा वाला क्या है मेरा? सी, विच इज 4, इंटू तीसरा वाला क्या है? z-3, है ना। चलिए, ये हो गया मेरा ए एम डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है ना,
चलिए यहाँ पे मैंने क्या किया ना, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख के नहीं दिखाया। उसका रीजन क्या था कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला लिख के ऑलरेडी दिखा दिया था, दैट इज वाई मैंने आपको यहाँ पर फॉर्मूला लिख के नहीं दिखाया। लेकिन एक्चुअल में जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एग्जाम में, तो ऑब्वियसली आपको ये चीज लिखने के पहले फॉर्मूला लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए 2 सेकंड दीजिएगा, फॉर्मूला भी लिख देंगे आपके लिए। अभी क्या लिख रहे हैं, अभी कंप्लीट करते हैं। cos 60 क्या था मेरा, 1/2। am क्या था हमारा, प्रोजेक्शन हमने लिख दिया। ठीक है, इनटू, अब हम यहाँ पे क्या लिखते थे, डिस्टेंस है ना, विच वॉज नथिंग बट ap। ap क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, विच इज अंडर रूट ऑफ x माइनस, पहला वाला क्या है 1, सो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस दूसरा वाला क्या है y माइनस 2, विच इज y माइनस 2 का होल स्क्वायर है ना, प्लस तीसरा क्या है z माइनस 3, तो यहाँ क्या बनेगा z माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, सो मैंने ये चीज डायरेक्टली लिख दी बिना फॉर्मूला लिखे। आप एग्जाम में ऐसा नहीं करेंगे, आप पहले फॉर्मूला लिखेंगे है ना, क्योंकि जस्ट अभी 2 सेकंड पहले मैंने आपको फॉर्मूला लिखना सिखाया था। ठीक है, चलिए मैं आपके लिए एक काम करता हूँ, फॉर्मूला वापस से लिख के दे देता हूँ। ठीक है, सो आप ए एम अपॉन ए पी कर लेते, हाँ जी ये वाला काम आपका हो जाता ना। फॉर्मूला क्या बनता था हमारा, सिंपल था यार, फॉर्मूला बनता था हमारा कि कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू नथिंग बट ए एम डिवाइडेड बाई ए पी। ओके, सो इसको फर्दर लेके जाते थे हम, सो कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए एम, कैसे लिखते थे, ए एम लिखते थे हम ए पी का प्रोजेक्शन ए एम पे। तो एपी का प्रोजेक्शन के लिए एपी के डायरेक्शन रेशियोस लिख लिए, एएम के डायरेक्शन रेशियोस लिख लिए। अब पहले वाले को पहले वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, सो ए इंटू क्या होता था, एक्स माइनस एक्स वन है ना। फॉर्मूला लिखने के टाइम पे हमारे पास ये एक्स वाई जेड होता था, और ये क्या होता था, ए एक्स वन वाई वन जेड वन होता था, करेक्ट। तो फॉर्मूला लिखने के टाइम पे इसे एक्स वन वाई वन जेड वन लिखेगा है ना, तो और इसे क्या लिखते थे, ए बी सी। तो पहला वाला ए पहले एक्स, हाँ, और तो ये 1 2 3 नहीं रहेंगे, ये एक्स माइनस एक्स वन बनेगा है ना, ये वाई माइनस वाई वन बनेगा है ना, और ये जेड माइनस जेड वन ऐसे बनता। सो ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस दूसरा वाला क्या है, बी इंटू वाई माइनस वाई वन, बी इंटू वाई माइनस वाई वन है ना, प्लस तीसरा सी इंटू जेड माइनस जेड वन। अच्छा, एक कमाल की बात पता है क्या है, ऐसे 2 3 बार जब आप देखने की प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो फिर वो रटने लग जाता है, दिमाग में आ जाता है। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हमने रट लिया उस चीज को, नहीं, आपके दिमाग इतना अच्छा था कि उसने एब्जॉर्व कर लिया उसको। ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ क्या बनेगा, वही डिस्टेंस यार इन दोनों के बीच का, एक्स और एक्स वन का लेते थे, तो एक्स माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस जेड वन का होल स्क्वायर है ना। इस फॉर्मूले को लिखे बिना आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करिए मत आइएगा, बिकॉज देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि वो नंबर काट लेगा तुम्हारे। ठीक है ना, सो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, दिखा दिया मैंने अच्छे से। सबसे पहले अपनी डिटेल्स लिख लेंगे, डिटेल्स लिखने के बाद हम कॉस थीटा लिखेंगे, थीटा हमें क्या बना है 60 डिग्री का। हाँ जी, फॉर्मूला कैसे बनेगा, अगर यहाँ पे एक्स वन वाई वन जेड वन है, यहाँ पे एक्स वाई जेड है, और ये लाइन है, तो इस तरीके से फॉर्मूला लिख सकते हैं। उसके बाद बस कॉस थीटा में थीटा डाला हमने 60 डिग्री, कॉस 60 इज 1/2, लिख के ये बन जाएगी, दिस इज गोना बी द इक्वेशन ऑफ कोण। अब सवाल ये आता है कि भाई ये क्वेश्चन अभी सॉल्व हो चुका क्या, नहीं हुआ है अभी तक है ना, क्योंकि हमने इक्वेशन ऑफ अ कोण लिख तो लिया, लेकिन इसको अभी तक सिंप्लीफाई नहीं किया हमने, तो इसको हमें और अच्छे से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो अगली स्टेप में हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, किस हद तक सिंप्लीफाई करना है ये जरा सा आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि कैसा है ना, एग्जाम में टाइम होता है थोड़ा सा कम, तो अब आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि भाई किस हद तक हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके आए एग्जाम में सॉल्व करते थे। ठीक है, चलिए जरा बता देते हैं आपको। तो पहला वाला स्टेप आप यहां से यहां तक का लिख तो लेंगे, हाँ जी लिख लेंगे। ठीक है, चलिए अब इसमें जो जो सिंप्लीफाई हो सकता है, जो जो जितना छोटा सकता है उसे कर दो। सबसे पहले आप दोनों साइड में क्या कर दीजिए ना, स्क्वायरिंग कर दीजिए। स्क्वायरिंग करने से क्या होगा कि आपके जो नंबर्स हैं वो सारे के सारे अंडर रूट से बाहर जाएंगे, तो इसको स्क्वायर करोगे तो ये कितना बनेगा आपका, 1/4 इज इक्वल टू, पहले इनको अच्छे से लिख लेते हैं, दिस इज मेरा 2x माइनस 2 माइनस y प्लस 2 प्लस 4z माइनस 3 है ना। सो 2x माइनस 2 ठीक है, माइनस y प्लस 2 इज ठीक है, प्लस 4z माइनस 3 भी ठीक है ना। इस पूरे के डिविजन में क्या आएगा, हाँ इसका स्क्वायरिंग कर रहे हैं ऑब्वियसली हम, इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है ना, दोनों साइड स्क्वायरिंग किया, ये स्क्वायर हो गया, ये इसको सिंप्लीफाई करके स्क्वायर कर दिया, नीचे वाला स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 4 16 प्लस 2 2 4 20 प्लस 1 21, सो दिस बिकम्स 21 इनटू, इसका स्क्वायर करेंगे सो दिस बिकम्स एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस थ्री का होल स्क्वायर। ठीक है ना, अब फर्दर इसको ऊपर लेके जाएंगे, 4 को यहाँ पे लेके जाएंगे, और बेटर बेटर सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। ठीक है ना, ये लीजिए जरा, ओके, थोड़ी सी जगह बनाने की कोशिश की थी मैंने। फाइनली अब अपना आंसर लिखने जाएंगे है ना, सो ये हो जाएगा 21 को इस पूरे को ऊपर लेके जाएं, तो 21 इनटू दिस इज एक्स माइनस वन
ये पूरा आएगा ब्रैकेट में, का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस थ्री का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, फोर के साथ में ये आ जाएगा, फोर इंटू दिस इज टू एक्स माइनस वाई प्लस फोर जेड, टू एक्स माइनस वाई प्लस फोर जेड, ठीक है, माइनस टू प्लस टू इज जीरो, जीरो माइनस थ्री इज माइनस थ्री, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। अब अगली स्टेप में आप चाहें तो इस वाले को भी स्क्वायर करके और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इस वाले को भी ओपन करके और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन फ्रैंकली आप उतना सिंप्लीफिकेशन करने जाएंगे तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा एग्जाम, ठीक है। तो क्या करें, पहली बात तो यार ये वाला क्वेश्चन और में भी आता है ना, तो एक वो भी थॉट रख सकते हैं। दूसरा, आप अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग जगह से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, मेरा क्या सजेशन है इस केस में, आप अपने खुद के टीचर से पूछ लीजिए, एक सवाल तो पूछ सकते हैं ना, है ना, आप अपने सर से जाके पूछ लो कि भाई बताओ अगर मैं सिर्फ इतना लिख के आऊंगा तो मेरा आंसर बनेगा कि नहीं, मुझे जो भी मैक्सिमम मार्क्स है 5 नंबर 6 नंबर मिलेंगे कि नहीं। उन्होंने बोला कि भाई इतना लिख के काम चल जाएगा तो इतना लिख के आइएगा, क्योंकि वही लोग जाते हैं यूनिवर्सिटी में पेपर चेक करने के लिए। उन्होंने बोला कि नहीं इसको पूरा एक्सपेंड करना पड़ेगा, तो फिर आपको तो ये पूरा एक्सपेंड करना ही पड़ेगा। हाँ, किसी को अगर लग रहा होगा कि यार ये वाले को कैसे एक्सपेंड करूं, इसका फॉर्मूला बता दीजिए, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, स्क्वायर लिखा है ना, मतलब ये दो बार आ रहा है, तो इसको क्या करोगे, इस वाले को वापस लिख दोगे, टू एक्स माइनस वाई प्लस फोर जेड, फिर ए ऐसे एक वाला पूरे वाले से दूसरा वाला पूरे वाले से ऐसे मल्टीप्लाई कर लेना है इसको, ठीक है ना, तो ये कर सकते हैं। तो ये हर एक यूनिवर्सिटी के हिसाब से अलग है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अपने फैकल्टी से पूछिए, अपने सर से पूछिए, वो बता देंगे कि इसको यहाँ तक छोड़ के पूरे नंबर मिलेंगे या फिर एक्सपेंड करके आना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन हमने कोन का सॉल्व किया है ना। अब देखो, बहुत बार बहुत लोग क्या करते हैं ना, इस क्वेश्चन को दो तीन बार प्रैक्टिस करने के बाद में, जब आप भी दो तीन बार इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके लिए क्वेश्चन इतना लेंदी और इतना प्रॉब्लमेटिक दिखेगा नहीं, ठीक है। कैसे नहीं दिखेगा, मैं आपको सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि क्यों चीजें अब आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिखने वाली, ठीक है। जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आप तीन चार क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो आप सिंपली क्या बोलोगे कि यार मेरे को सबसे पहले तो लिखना है कोन का वर्टेक्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कोन का वर्टेक्स क्या गिवन है मुझे इसमें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन हुज वर्टेक्स इज एट ओरिजिन, ठीक है। अब ओरिजिन पे ही वर्टेक्स दे दिया, मतलब अब तो चांदी 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 है, लीजिए ओरिजिन लिख दिया हमने, एंड द सेमी वर्टिकल एंगल इज 30 डिग्रीज, ठीक है भाई साहब, ये एंगल हो गया हमारा कॉस थीटा का थीटा, विच इज 30 डिग्रीज, है ना, ओके। साथ ही साथ मुझे एक लाइन दे रखी है ये वाली, जो इसकी एक्सेस है, एक्सेस है इसका मतलब क्या हो गया, ये इसके डायरेक्शन रेशियोस मिल जाएंगे मुझे, है ना, सो डायरेक्शन रेशियोस ऑफ द लाइन विल बी व्हाट, 1, 2, 3, ओके। ना क्वेश्चन को लिखते टाइम हमें कॉस थीटा लिखना पड़ता है ना, और कॉस थीटा जब हम लिखते हैं हमें फॉर्मूला वॉर्मूला लिखना पड़ता है, यहाँ पे पॉइंट पी मान लेते हैं जिसका नाम है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है, और ए वैसे तो वैल्यूज गिवन है, लेकिन क्वेश्चन लिखते समय हम ए को क्या लिखते थे, एक्स वन कॉमा वाई वन कॉमा जेड वन, है ना, फॉर्मूला लिखने के लिए, ठीक है, बिकॉज फॉर्मूला लिखना इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूँ, कहीं अगर कैलकुलेशन मिस्टेक की और फॉर्मूला सही था तो ऑब्वियसली मार्क्स मिल जाएंगे तुमको, और बिना फॉर्मूले के तो वैसे भी आंसर नहीं बनेगा, फॉर्मूला तो इंपॉर्टेंट है ना, और ये हम इसको क्या बोलते थे, थीटा। तो फॉर्मूला लिखने के टाइम पे आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपली लिखेंगे भाई कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ए से लेके एम तक का डिस्टेंस, है ना, डिवाइडेड बाय एम से लेके ई तक का डिस्टेंस, इतना लिख देंगे आप, ठीक है। हाँ जी भाई सर, सॉरी, गलती से क्वेश्चन स्विच हो गया था, अगली स्टेप में क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू पता है हमें 30 डिग्रीज है, ठीक है भाई, लिख दो आप कॉस ऑफ 30 डिग्रीज, ठीक है, इज इक्वल टू ए एम, क्या है, देखो भाई ए एम सिंपल है, कैसे लिखना है मुझे, ए एम बनेगा मेरा ए पी के प्रोजेक्शन से, तो उसके मुझे ए पी के लिखने पड़ेंगे डायरेक्शन रेशियोज, तो ए अगर एक्स वन वाई वन जेड वन है, पी अगर एक्स वाई जेड है, तो फॉर्मूला क्या बनता है, तो मतलब डायरेक्शन रेशियोज क्या बनते हैं, एक्स माइनस एक्स वन पहला वाला, ठीक है, थोड़ा कलर चेंज करके लिखता हूँ तो क्लियर रहेगा आपके लिए, ठीक है। सो ए एम को लिखने के टाइम पे ए पी के डायरेक्शन रेशियोज बनेंगे एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन एंड जेड माइनस जेड, ठीक है, और ए एम के डायरेक्शन रेशियोज क्या लिखेंगे हम, ए बी और सी, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ए एम लिखने के लिए पहला वाला पहले वाले से मल्टीप्लाई होगा, है ना, दूसरा वाला दूसरे वाले से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और तीसरा वाला तीसरे वाले से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, और इसके मल्टीप्लीकेशन में क्या आएगा, अगेन नीचे अब एमपी आना है, एमपी मतलब ये आना है, एक मिनट गलत लिखा, एमपी थोड़ी आएगा, हाँ हाइपोटेन्यूज मतलब एपी आएगा, ठीक है ना, माय बैड माय बैड, ओके है ना, चलो
हाँ एपी देखना, एपी क्या है बेसिकली दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, डिस्टेंस पी से लेके ए तक का डिस्टेंस कैसे लिखते हैं हम लोग, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस जेड वन का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला लिख के, और जैसे मैंने कहा था फॉर्मूला लिखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कि आप फॉर्मूला लिख के आएंगे, आपने अगर कोई कैलकुलेशन एरर करा होगा तो आपको फॉर्मूला के नंबर मिल जाएंगे। और बहुत बार एग्जामिनर क्या करता है, देखा है कि फॉर्मूला उसने सही से लिखा है सामने वाले ने, आगे शायद चेक भी ना करें, आपको एक मार्क्स भी लेके चले जाए, ठीक है ना। चलिए ओके, सो ये हमारा हो गया कॉस 30 लिख के, अब हमें आगे क्या लिखना है, इसकी वैल्यूज पुट अप करनी है। कॉस 30 क्या होता है बताओ, कॉस 30 होता है 1/√3 के बराबर, ठीक है ना, इज इक्वल टू ए, ए क्या है मेरा 1 के बराबर, 1 इंटू क्या आएगा, हाँ अब एक्स वन वाई वन पुट अप कर देंगे ना, सो 1 इंटू एक्स माइनस एक्स वन क्या है मेरा पहला क्वाड्रेंट विच इज 0, ओके प्लस बी है मेरा 2, 2 इंटू वाई माइनस वाई वन, तो वाई माइनस वाई वन इज ऑल्सो इक्वल टू 0 प्लस 3 इंटू जेड माइनस जेड वन, तो जेड माइनस 0, ठीक है। इस पूरे के डिविजन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर इज 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है ना, अंडर रूट में। अब इन दोनों का डिस्टेंस किसका, एक्स वाई जेड और 0 0 0 का, सो अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर है ना प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन जो है वो पिछले वाले के क्वेश्चन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा इजी है। क्यों इजी है, सिंपल है यार भाई, इजी इसीलिए है कि क्योंकि इस बार मेरा वर्टेक्स था ओरिजिन पे, और बहुत हाई पॉसिबिलिटी कि आपको भी एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसका वर्टेक्स कहाँ पे होगा, ओरिजिन पे, क्योंकि जब वर्टेक्स ओरिजिन पे होता है तो हमारे कैलकुलेशन ज्यादा टफ होते हैं क्या, नहीं होते हैं, ज्यादा टफ नहीं होते तो स्टूडेंट के लिए सॉल्व करना आसान होता है क्या, हाँ जी आसान होता है। अब अगर स्टूडेंट के लिए सॉल्व करना आसान होगा तो स्टूडेंट जो है वो आसानी से सॉल्व कर लेगा, दिस इज लॉजिक राइट। अब हम क्या करेंगे, सिंपली दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर देंगे, तो 1/√3 का स्क्वायर करोगे तो क्या बनता है, 1/3 इज इक्वल टू, इसको थोड़ा लिख लेते हैं, दिस इज नथिंग बट माई एक्स प्लस 2y + 3z, ठीक है, इसका स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे इसका स्क्वायर करोगे तो 9 + 4 इज 9 + 4, 9 + 1 इज 10, 10 + 4 इज 14, ठीक है, और इसका स्क्वायर करोगे तो दिस इज नथिंग बट योर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब बस इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया आंसर खत्म आपका, दिस बिकम्स द इक्वेशन ऑफ द कोण। इसमें जरूर आप कोशिश करिएगा कि इस वाले को आप एक्सपैंड करके लिख के जाएं, ठीक है, क्योंकि इस वाले को एक्सपैंड करना उतना डिफिकल्ट नहीं है। क्या करना पड़ेगा एक्सपैंड करने के लिए, ये इसको दो बार आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, सो ये है आपका एक्स प्लस 2y + 3z है ना, इसको वापस से क्या कर दो, एक्स प्लस 2y + 3z से मल्टीप्लाई कर दो, कैसे करेंगे, एक्स को पहले पूरे से मल्टीप्लाई करो, तो एक्स इंटू एक्स क्या बनेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 2y क्या बनेगा आपका 2xy प्लस एक्स इंटू 3z क्या बनेगा आपका 3xz, ऐसे करते करते फिर ये पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो 2x 2y * x क्या बनेगा 2xy है ना, तो ये करते करते आपका थोड़ा सिंप्लीफिकेशन मिल जाएगा, आप करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन अगेन आई विल सजेस्ट कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, एक सवाल तो अपने फैकल्टी से पूछ ही सकते हो, जो भी सर आपको पढ़ा रहे हैं पूछ लेना, वो बता देंगे कि सर इतना छोड़ने के बाद काम बन जाएगा, या फिर इसको भी एक्सपेंड करके लिख के आना पड़ेगा, सब बता दीजिए। हाई पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन अगर इतना ईजी आ रहा है तो इस वाले टाइप के क्वेश्चन में आपको पूरा एक्सपैंड करना पड़ेगा। पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या फर्क था, पिछले वाले क्वेश्चन में आपका वर्टेक्स जो था वो 0,0,0 पे नहीं था, वो था आपका समथिंग 1,2,3 ऐसे कुछ था, उस टाइप के क्वेश्चन जहाँ पे वर्टेक्स आपके 0 पे नहीं होता उनको एक्सपैंड करना मुश्किल होता है, वो बहुत लेंदी होते हैं और क्वेश्चंस के आने की पॉसिबिलिटी भी कम होती है एग्जाम में, वो तो पहला क्वेश्चन था कराने के लिए मैंने ले लिया, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चंस जो आपके कोन के आएंगे उसमें आपका वर्टेक्स 0,0,0 मतलब ओरिजिन पे ही रहेगा, और अगर वर्टेक्स ओरिजिन पे है आपका फिर टेंशन नहीं है, फिर आपकी चीजें आसानी से सॉर्ट हो सकती है, ठीक है, इसको आप आगे एक्सपैंड कर सकते हैं। कैसे एक्सपैंड करना है बता दिया मैंने, ये नीचे को ऊपर लेके जाइए, 3 को लेके जाइए, इसको खोलना कैसे, दो बार लिख के मल्टीप्लाई कर लो, खत्म बात, ठीक है। चलो सो कोन के बारे में आपने बेसिक चीजें सीख ली, हाँ जी सीख ली, एक क्वेश्चन सीख लिया, दूसरा क्वेश्चन भी हमने देख लिया है ना, तीसरा क्वेश्चन भी देखना चाहिए क्या, देखो यार देख लेते हैं है ना, एक सवाल से तो मैथमेटिक्स होने से रही, थोड़ी प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो वापस से, अब आप थोड़े थोड़े समझने लगोगे है ना, अच्छा यहाँ पे
हाँ, ये क्वेश्चन क्यों यूनिक है, क्यों डिफरेंट है, बता दूं आपको। कभी कभी यूनिवर्सिटी थोड़ी सी छेड़छाड़ करती है तुम लोगों के साथ में, है ना। ये भी काफी प्रोमिनेंट क्वेश्चन है जो यूनिवर्सिटीज में पूछा जाता है। यहाँ पे क्या लिखा, देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन हुज वर्टेक्स इज एट 1, 2, 3। ठीक है भाई साहब, वर्टेक्स तो दे दिया उसने, हम बोल देते हैं ये है आपका वर्टेक्स 1, 2, 3 पे, है ना, एंड द एंगल इज थीटा। अब ये एंगल थीटा है, ये थीटा की वैल्यू डायरेक्टली नहीं देगा वो पता कैसे लिखेगा, थीटा की वैल्यू लिखेगा वो कॉस इनवर्स ऑफ √3/2 ऐसे, ठीक है ना। द एंगल इज थीटा एंड इट इज गिवन बाय थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ √3/2, ठीक है, एंड द एक्सिस इज गिवन बाय दिस। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत है क्या? नहीं है। अब कॉस इनवर्स ऑफ √3/2 इज इक्वल टू थीटा दिया है, मतलब कॉस को मैं इधर लेके आऊंगा तो इनवर्स को हटाने से क्या बनेगा, वो कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू √3/2, हो गया काम खत्म। एंड दैट इज इक्वल टू क्या, ये पॉइंट ए था हमारा, यहाँ पे हम पॉइंट लेते थे पी, उसके स्ट्रेट लाइन में आता था हमारा एम, तो ये बनता था ए के साथ में एम डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज ए के साथ में पी। ए एम के लिए हम प्रोजेक्शन लिख देंगे, काम बन जाएगा। ए पी के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, काम बन जाएगा। प्रैक्टिस हमने ऑलरेडी कर रखी है, तो कोई फर्क है क्या? नहीं फर्क। कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है। लेंथी जाएगा क्या क्वेश्चन ये? हाँ लेंथी जाएगा ये क्वेश्चन। क्यों लेंथी जाएगा? क्योंकि इसके वर्टेक्स में कौन है, 1, 2, -3। कब लेंथी नहीं जाता है क्वेश्चन? जब वर्टेक्स कहाँ होता है, ओरिजिन पे। तो एग्जाम में अगर स्मार्टली आपको क्वेश्चन चूज करना है तो आप स्मार्टली कैसे चूज करोगे? क्वेश्चन एग्जाम में कौन का वो चूज करो जिसमें वर्टेक्स कहाँ पे है, ओरिजिन पे। वर्टेक्स ओरिजिन पे है मतलब काम तुम्हारा बन जाएगा, क्वेश्चन लेंथी नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए, सो तीन क्वेश्चन हमने देख लिए, इसको सॉल्व करके मैं दिखा नहीं रहा हूँ। हाँ, जैसे मैंने बताया आपको, सबसे पहले आगे बढ़ने से वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ में, कमेंट करके बताओ वीडियो को आपको कैसा लगा है, एंड प्लीज बहुत एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करना मत भूलें, ठीक है ना। सब्सक्राइब करो, तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा सब्सक्राइब करने से, मेरी बहुत हेल्प हो जाती है, लगे ठीक है, मेरी रीच बढ़ रही है। इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए वीडियोज बनाते रहूंगा, यूट्यूब पे अपलोड करता रहूंगा, तुम्हारे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स तुम्हारे एकदम ऐसे टिप्स पे हो जाएंगे, ठीक है ना। ना मोस्ट इंपॉर्टेंटली, हमने कुछ क्वेश्चन अभी देख लिए, ठीक है, वीडियो देख लिया, वैरायटी समझ लिया, इस वीडियो को और खींच के फायदा नहीं, लेंदी होगा जबरदस्त, ठीक है। इसके नोट्स वगैरह मैंने अपने एप्लीकेशन में अपलोड करना शुरू कर दिए हैं, आज तुरंत देखोगे शायद ना मिले, बट एचपीएल में एप्लीकेशन में प्लीज डाउनलोड करके रख लो, डाउनलोड करके रख लोगे तो तुम्हें जिस दिन भी वो अपडेट होंगे तुरंत दिख जाएंगे वहां पे, ठीक है ना। सो सून आई विल बी अपलोडिंग दोस थिंग्स, सो यू कैन चेक दिस आउट ओवर देयर। ऑल्सो कुछ आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन अभी बाकी हैं, ठीक है ना, स्पेशली द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, कैन चेक इट आउट ओवर देयर, ठीक है। सो फॉर नाउ टेक केयर, बाय बाय, एंड मूव टू द नेक्स्ट वीडियो गाइस। अच्छा, एक आखिरी चीज, जाने से पहले कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं तुम लोगों को, है ना। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, वीडियो पॉज करके प्रैक्टिस कर लो इसकी। क्वेश्चन नंबर 4, अगेन वर्टेक्स 1, 1 पे है, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें इसको लिख के प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ठीक है। कॉस थीटा लिखो, फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला लिखने के बाद वैल्यू उसको टप करो, ट्राई करो। सेम चीज क्वेश्चन नंबर 5, ये 3, 4, 5, ये 2-3 क्वेश्चन तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए देके जा रहा हूँ, आराम से प्रैक्टिस करना, सबके सॉल्यूशन नोट्स में अपलोड हो जाएंगे बना के, टेंशन मत लो, वहां से चेक कर सकते हो जाके। यहाँ क्यों नहीं दे रहा हूँ उसका सिंपल सा रीजन है भाई यार, सभी कुछ पूरी कोशिश है जितना हो सके यूट्यूब पर डालने के लिए, नोट्स यूट्यूब पर नहीं डाल सकता, है ना, वीडियोस का ही फॉर्मेट यूट्यूब का, इसलिए जाना पड़ेगा एप्लीकेशन पर, ठीक है। चलो, take care guys.